अपे ई एक्स्ट्रा एफएक्स मैक्स, इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को पियाजो ने 2 महीने पहले लॉन्च किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे पुराने वाले कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से और देखेंगे क्या अपडेट हमें मिलता है और क्या परफॉर्मेंस इस नए वाले एफएक्स मैक्स के अंदर हमें दिया गया है। इसको जानने से पहले शाबू व्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों बेसिकली पियाजो ने 2 महीने पहले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की मैक्स सीरीज को लॉन्च किया था। इस सीरीज के अंदर कार्गो सेगमेंट के लिए अपे ई एक्स्ट्रा एफएक्स मैक्स मॉडल को और पैसेंजर सेगमेंट के लिए अपे ई सिटी एफएक्स मैक्स मॉडल को लॉन्च किया था। वैसे पैसेंजर सेगमेंट के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं तो पुराने वाले अपे ई सिटी के साथ कंपैरिजन करते हुए आपको डिटेल में समझाया हूं, वो वाली वीडियो के लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो अगर बात करें कार्गो सेगमेंट के तो इस वीडियो के अंदर हमें पुराने वाली कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को नए वाले मॉडल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे क्या परफॉर्मेंस हमें बढ़ा के दिया गया है नए मॉडल के अंदर। डिजाइन और बेसिक स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो नए मॉडल के अंदर भी आपको पुराने लुक से देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे नए मॉडल के अंदर आपको स्टिकरिंग अलग से मिलेगी, एफएक्स मैक्स के नाम से आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर बेसिक स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो है टायर साइज एफएक्स मैक्स के अंदर आपको बढ़ा दिया गया है। पुराने वाले के अंदर हमें 10 इंच के टायर मिल रहे थे लेकिन एफएक्स मैक्स के अंदर हमें 12 इंच के टायर मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी, लुक वाइज, अगर हेडलाइट वगैरह सभी बेसिक स्पेसिफिकेशन के अंदर चेंजेस देखे जाए तो कुछ भी चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। एज इट इज पुराना जो मॉडल था उसी तरह से हमें नए मॉडल के अंदर भी मिलने वाला है। अगर आप बेसिक स्पेसिफिकेशन भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पुराने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर फुल वीडियो बना चुका हूं, वाली लिंक यहां पे आई कार्ड में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो नए मॉडल में भी सेम टू सेम आपको बेसिक स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो नए मॉडल में एफएक्स मैक्स के अंदर हमें थोड़े बहुत चेंजेस दिए गए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आपको L5N कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा ये दोनों मॉडल्स के अंदर आपको व्हील बेस 2100mm का मिल रहा है, यानी सेम व्हील बेस मिल रहा है, और साथ ही साथ दोनों के अंदर सेम ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm का मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे पेलोड के अंदर कुछ चेंजेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर भी आपको पेलोड कैपेसिटी 500kg का मिल रहा है। इसके अलावा अगर कंटेनर देखा जाए तो दोनों के अंदर सेम कंटेनर डायमेंशन भी मिल रहे हैं, 6 फीट लेंथ और 4.5 फीट विड्थ। तो कंटेनर के अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो पुराने वाले ई एक्स्ट्रा एफएक्स के अंदर हमें 45 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल रहा था, लेकिन नए वाले के अंदर चेंज किए हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है एफएक्स मैक्स के अंदर, तो 5 किलोमीटर तो बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, अब और स्पीड जा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर रेंज देखा जाए तो यहाँ पे पुराने वाले के अंदर आपको 90 या 95 का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नए वाले के अंदर एफएक्स मैक्स के अंदर आपको 115 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा है। तो यहाँ पे रेंज के मामले में भी हमें ज्यादा रेंज मिल रहा है नए मॉडल के अंदर। और इसके साथ साथ अगर ग्रेडेबिलिटी की बात की जाए तो पुराने वाले ई एक्स्ट्रा एफएक्स के अंदर हमें 17% का ग्रेडेबिलिटी दिया जा रहा था, लेकिन इस वाले एफएक्स मैक्स के अंदर हमें 19% का ग्रेडेबिलिटी दिया जा रहा है। और इस स्पीड को और इस ग्रेडेबिलिटी को अचीव करने के लिए दोनों के अंदर 9.55 किलोवाट की मोटर दी गई है, यानी सेम मोटर मिल रही है आपको यहाँ पे दोनों के अंदर। और इसके साथ साथ तो दोनों के अंदर भी आपको इस मोटर से 45 Nm का टोर्क मिल रहा है, यानी टोर्क भी सेम आपको मिल रहा है। अगर हम इस मोटर को पावर देने के लिए और इस रेंज को देने के लिए अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे 51.2 वोल्टेज की 8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही थी पुराने वाले में, लेकिन नए वाले में भी सेम मिल रही है। अगर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की बात की जाए तो यहाँ पे 48 वोल्टेज का 3 किलोवाट आउटबोर्ड चार्जर मिल रहा है, जिसको आप घर पे लगा के आपकी ऑटो रिक्शा अगर चार्ज करेंगे तो 3 से 4 घंटा टाइम लग जाएगा। और ओवरऑल वारंटी की भी बात की जाए तो सेम टू सेम वारंटी आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो चेंजेस हुए हैं प्राइस। पुराने वाले जो मॉडल आती थी वो 3.212 यानी 3,12,000 से शुरू होकर जो अलग अलग मॉडल लेते थे उसके ऊपर डिपेंड होता था, लेकिन नए वाले के अंदर 3.25 यानी 3,25,000 से शुरू होकर 3,50,000 तक जा रहा है, जो अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं वो मॉडल के ऊपर ये प्राइस डिपेंड होता है, एक शोरूम प्राइस है दोनों भी। अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके नजदीक के डीलर को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपके घर पे 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये ऑटो मिल जाएगी। अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक डाउट आना चाहिए था, वैसे आपको कौन सा डाउट आया नीचे जरूर कमेंट करिए, अभी कमेंट करके बता दीजिए। वो डाउट ये है कि मोटर और बैटरी सेम है लेकिन यहाँ पे रेंज और ग्रेडेबिलिटी बढ़ा के दिया है, इसका
एक रीजन ये बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पे मोटर और बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ा दी होगी, इस वजह से इस रेंज और ये ग्रेडेबिलिटी मिल रही है। और दूसरा रीजन ये है कि ये दोनों भी सर्टिफाइड है, यानी ग्राउंड पे हमें रियल वर्ल्ड में देखेंगे टेस्टिंग करके, तो जब हमें पता चलेगा रेंज और ग्रेडेबिलिटी पेपर तक ही सीमित है या हमें रियल वर्ल्ड में भी मिल रही है। वैसे आप अगर कोई भी ये पुराने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आप ई एक्स्ट्रा चला रहे हैं तो उसका रेंज कितना आ रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफएक्स मैक्स के अंदर हमें चार अपग्रेड मिल रहे हैं। एक हमारा टायर्स बढ़ा के दिए हैं, 12 इंच के टायर्स दिए हैं, और एक रेंज बढ़ा दिए दिए हैं, 115 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, और साथ ही साथ ग्रेडेबिलिटी बढ़ा दिए हैं, 19% का ग्रेडेबिलिटी मिल रहा है, और साथ ही साथ चौथा टेलीमेटिक जो ऐप है 2.0 मिल रहा है, पुराने वाले से अपग्रेड करके दिया गया है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा प्राइस भी बढ़ा के दिए गए हैं, ये वाला मत बोलना। अगर हम लेना चाहें तो कौन सी ऑटो रिक्शा ले, पुरानी वाली या नई वाली? देखो दोस्तों, 10-20 हजार आप ज्यादा दे रहे हैं तो नया वाला लेना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने नए पॉलिसीज लेके आई है ईवी को लेकर, जिसके तहत दो बैटरी होंगे, मोटर भी या कुछ भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर लेके आ रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से चलना है। शायद इसीलिए इस पॉलिसी के जो रूल्स के हिसाब से इस ऑटो रिक्शा को भी अपडेट किया गया है, इसीलिए नया मॉडल को लॉन्च किया गया है। यानी जितने भी नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहे हैं तो नए पॉलिसी के हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहे हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी मिलने वाली है हमें, तो नए मॉडल ले लिए तो बेहतर होगा। वैसे आपके पास पैसा नहीं है तो सेम परफॉर्मेंस आपको पुराने वाले में मिल रहा है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं पुराने मॉडल पे। दोस्तों एक और बात बताना भूल गया, यहाँ पे एफएक्स मैक्स मॉडल के अंदर भी स्वैपेबल बैटरी आने वाली है बहुत ही जल्द। अगर आप स्वैपेबल बैटरी के साथ लेना चाहते हैं तो थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, बहुत ही जल्द लॉन्च होगा पियाजो की तरफ से, जब जाके आप बुक कर ले सकते हैं। फिलहाल जो मार्केट में जो अभी लॉन्च हुए हैं और पहले से ही मिल रहे हैं वो फिक्स बैटरी के साथ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ, अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।